Good morning everyone, how are you? Hope you are doing good. So kids, today we are going to see letter O's practice page. Okay, so take out your English primer book and open page number 31. Page number 31. Okay, letter O. O, 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 O sound as O. O for octopus. O for octopus. O for ostrich. O for ostrich. O for orange. O for orange. Okay, so ये सारे क्या है pictures जो O से start होने वाले. Okay, so now let's see the next. Cross the letter O on the oranges. आपको क्या करना है, लेटर ओ आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू क्रॉस इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हिच लेटर इज दिस? लेटर ओ. सो वी हैव टू क्रॉस. दिस इज आल्सो लेटर ओ, तो क्रॉस. ये यस, दिस एंड दिस, देन हियर. सो ऐसे कितने ओ मिले आपको ये बास्केट में, ऑरेंज वाले ओ? यस. हाउ मेनी? फाइव, राइट? 1, 2, 3, 4, 5. सो आपको ये सारे 5 ऑरेंजेस क्रॉस करने हैं जिसके ऊपर लेटर ओ लिखा है. ओके किड्स, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 31. फाइन, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 18. ओके, प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 18. कलर द ऑक्टोपस. आपको क्या करना है बच्चों, ये ओ फॉर ऑक्टोपस को कलर करना है अच्छे से. ओके, डन? आप लोग करोगे ना अच्छे से कलर? फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द ऑरेंज विद द लेटर ओ. आपको क्या करना है, कलर करना है जिस ऑरेंज पे लेटर ओ लिखा है. तो आप आइडेंटिफाई करो 1 एंड 2, कौन से ऑरेंज पे लेटर ओ लिखा है. यस, फर्स्ट ऑरेंज पे. सेकेंड ऑरेंज में लेटर एच लिखा है. तो आपको फर्स्ट ऑरेंज को कलर करना है. ओके, सो आप कौन सा कलर करोगे ऑरेंज को? यस, ऑरेंज कलर, राइट? तो आपको ऐसे ऑक्टोपस एंड ये ऑरेंज को अच्छे से कलर करना है. ओके किड्स, फाइन. आप लोग ऐसे पेज नंबर 18 कंप्लीट करोगे प्रैक्टिस बुक का? फाइन. ओके, सो डन. नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज our alphabet book. Okay, so chalo take out your alphabet capital my skill book. Okay, so chalo take out it and open page number 43. Okay, aapke mama ko bolna hai aur page number 43 open karna hai. O for octopus. O for octopus. O for octopus. Okay, so now ट्रेस एंड राइट द लेटर ओ. आपको क्या करना है बच्चों, ट्रेस करना है और लिखना है लेटर ओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आपको ट्रेसिंग करना है. चलो, राइट ओपन कर्व. यस, फोर लाइन में रेड टू ब्लू लाइन राइट ओपन कर्व, देन जॉइंटली लेफ्ट ओपन कर्व, लेटर ओ, राइट ओपन कर्व, देन लेफ्ट ओपन कर्व, लेटर O. Yes, right open curve, then jointly left open curve, letter O, letter O. Okay, red line to blue line. Fine. तो वैसे आपको ये सारे tracing complete करने हैं. Okay, so now we will see how to write without tracing. Okay, see now. First आपको right open curve draw करना है red to blue line, फिर jointly लेफ्ट ओपन कर्व, बन गया लेटर ओ. ओके, लेटर ओ लाइक दिस, लेटर ओ, रेड लाइन टू ब्लू लाइन राइट ओपन कर्व, देन लेफ्ट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व, देन लेफ्ट ओपन कर्व, लेटर ओ, लेटर ओ. यस, इट्स लुक सेम लाइक जीरो, राइट किड्स? यस, letter O. Okay,
तो वैसे आपको ये पूरा इतना लाइन कंप्लीट करना है. ओके, पेज नंबर 43. फाइन, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज. सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. राइट, दिस इज एन होम असाइनमेंट. ओके, सो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है घर पे अच्छे से. ओके, जब तक आप लोग अच्छे से स्लेट में फोर लाइन ट्रेस करके प्रैक्टिस नहीं होता है बच्चों, तब तक आपको ये बुक में लिखना नहीं है. ओके, पहले आप क्या करोगे सब लोग? हाँ, पहले आप ट्रेस करोगे स्लेट में अच्छे से, देन आपके मम्मा को बोलना है अच्छे से फोर लाइन ड्रॉ करके दो स्लेट में, फिर वो फोर लाइन में आपको स्लेट के फोर लाइन में पहले आपको प्रैक्टिस करना है, देन आपको बुक में कंप्लीट करना है. ओके, फाइन, आप लोग करोगे ना अच्छे से कंप्लीट? यस. सो टीचर को पता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोग सब लोग सारे अच्छे से कंप्लीट करोगे. ओके फाइन, सो ऐसे आपको ये पेज नंबर 44 कंप्लीट करना है. ओके ओके, सो नाउ वी विल मीट सून विथ नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट.